नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल GS नगरी पे। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो थी नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें हम लोग कर रहे थे मैपिंग का सेक्शन कवर, ठीक है, मैप कर रहे थे। और मैपिंग में हम लोगों ने कहाँ से बात की थी, ऑपरेशन माउंटेन की और कुछ फॉरलैंड टाउन्स की। फॉरलैंड टाउन्स क्या होते हैं? वो ऐसी जगह या ऐसे क्षेत्र जहाँ से जलप्रपात जो निकलती है, ठीक है, जलप्रपात यानी कि नदियां जो निकलती हैं, ठीक है, वही होता है हमारा फॉरलैंड टाउन। अब वो नदियां किसी न किसी घाटी या किसी न किसी समुद्र में जाकर के वो गिरती हैं, ठीक है, वहीं से, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था। अब बात करते हैं वही उसी की, अपलेशन माउंटेन्स में जो आप लोगों को बताया गया था कि इनको पहले मार्क कराएंगे फिर इनके बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो हमने जो सबसे पहले बताया था आप लोगों को अपलेशन माउंटेन, अपलेशन माउंटेन में क्या हमने कुछ लोकेशंस के नाम लिखवाए थे, ठीक है। तो उनमें था सबसे पहला क्यूबेक, ठीक है, दूसरा था बिलमिंगम, दूसरा क्या था बिलमिंगम, नेक्स्ट था ब्लू रिज और इसके बाद में था, मेरा माउंट मिचेल, ओके। ये इतने लोकेशंस थे। अब इनमें ये बताया गया था कि ये जो है ये किससे बने हुए हैं, प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत हैं, ठीक है। ये कैसे पर्वत हैं? प्राचीनतम मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है, प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत हैं, ठीक। ये बताया गया था आप लोगों को। फिर बताया गया था कि ये जो ब्लू रिज है ये यहाँ का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र बताया गया था, ठीक। और उसी के साथ माउंट मिचेल जो है ये एप्लेशियन माउंटेन की, एप्लेशियन माउंटेन की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, एप्लेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद में हमने बात की थी कुछ फॉरलैंड टाउन्स की, उनको भी देखते हैं कौन कौन से थे वो, ठीक है। तो फॉरलैंड टाउन्स देखते हैं कौन कौन से थे। देखिए फॉरलैंड टाउन कौन कौन से थे, फॉरलैंड टाउन पहला था हमारा बोस्टन, बोस्टन के बाद में था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, फिर था फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, इसके बाद में था बाल्टीमोर, बाल्टीमोर, और नेक्स्ट था हमारा वाशिंगटन डीसी। ये पांच लोकेशंस थे, इनको क्या कहा गया था, ये फॉरलैंड टाउन्स मतलब जलप्रपात हैं, ठीक है, जलप्रपात रेखा, ठीक है, जलप्रपात रेखा, फॉरलैंड टाउन। देखिए अब, ठीक है, यहां तक बात की थी। अब इनको हम क्या करते हैं, अपने एटलस में हम मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये जो लोकेशंस आप लोगों को कराई गई हैं, इन लोकेशंस को हम क्या करेंगे, हमें एटलस में मार्क करना है, ठीक है। तो पहले अब इनको एटलस हम अपना ओपन करते हैं और इनको एटलस में मार्क करके देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो आते हैं अपने एटलस पे और देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा था वो था क्यूबेक, ठीक है। तो क्यूबेक को देखने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, एप्लेशियन माउंटेन पे, क्योंकि ये किसके चोटी थी, अपलेशियन माउंटेन में ये आते हैं। अपलेशियन माउंटेन हमारा कहाँ पे है वो देखते हैं। ये देखिए अपलेशियन माउंटेन यहाँ लिखा हुआ है, ये अपलेशियन माउंटेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारी अपलेशियन माउंटेन हमें मिल गया, अब यहीं पे हमें मिलेगा क्यूबेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्यूबेक मिलेगा। और जो तीन हमारे वो हैं माउंटेन्स जो चोटियाँ हैं वो भी हमें यहीं पे मिलेंगी। तो देखते हैं क्यूबेक, देखते हैं कहाँ पे है। देखिए क्यूबेक में है, यहाँ तो नहीं है। चलते हैं पॉलिटिकल की तरफ, पॉलिटिकल में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्यूबेक मिल गया। क्यूबेक में के बाद था हमारा बिलमिंगम, ये देखिए बिलमिंगम ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। बिलमिंगम के बाद था आपका ब्लू रिज, तो ब्लू रिज देखिए यहाँ पे है, नहीं है। चलिए वहां चलते हैं पॉलिटिकल, फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल में देखते हैं मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लू रिज माउंटेन है और फिर उसके बाद में माउंट मिचेल है, जिसकी
जो ऊंचाई है वो क्या है, हाइट आपकी कितनी दे रखी है 2037 मीटर, ठीक है, किसकी, माउंट मिचेल की। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज देखेंगे तो ये जो अपलेशियन माउंटेन है, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन है, इसका अगर आप विस्तार देखेंगे तो ये क्या आपका पार्ट है, ये कनाडा का पार्ट है, कनाडा का पार्ट बताइए, कनाडा का पार्ट है। और अगर आप नीचे आए थोड़ा तो यहां देखेंगे कि फिर इसके बाद में आप क्या मिलता है, यूएसए, ठीक है, इसके बाद क्या मिलता है, यूएसए मिलता है। देखिए पॉलिटिकल की तरफ देखिए, यहां से आपको पता इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, यहां आते हैं देखिए, यहां देखिए ये कनाडा लिखा हुआ है, यहां देखिए क्यूबेक है, कनाडा में बिलमिंगहम, यूएसए में। तो एब्लेशियन माउंटेन जो है उसका विस्तार कहां से कहां तक है, कनाडा से लेकर, कनाडा से लेकर कहां तक, यूएसए तक, ठीक है। तो आपके पास क्या क्वेश्चन बन गया एक, कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एप्लेशियन माउंटेन का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलेंगे, कनाडा से लेकर के यूएसए तक। क्लियर है यहां तक। अब फॉरलाइन टाउन्स हैं उनको देख लेते हैं, तो फॉरलाइन टाउन देखते हैं, फॉरलाइन टाउन जो है देखिए टाउन्स हैं मतलब शहर हैं, तो ये आपको कहां पे मिलेंगे, पॉलिटिकल मैप में ही मिलेंगे। तो देखते हैं पहला जो हमारा था वो था बोस्टन, देखिए बोस्टन हो गया, ये यहां पे मिल गया। इसके बाद में था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मिल गया, फिर इसके बाद में था फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया यहीं पे उसी के नीचे, फिर यहाँ पे बाल्टीमोर, और उसके बाद में वाशिंगटन डीसी। पांच थे फॉरलाइन टाउन, पांचों मिल गए आप लोगों को, क्लियर है। देखिए ये सारे जो हैं, ये देखिए यहीं पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास ही हैं, तो मतलब कि यहां से जो भी नदियां निकलती होंगी वो कहां गिरती होंगी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो ये भी आप लोगों का एक आंसर क्वेश्चन बन गया कि जो जलप्रपात रेखा है वहां से जो भी नदियां हैं वो किस सागर में गिरती हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, मतलब कौन से महासागर में गिरती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे अगर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती हैं तो यहाँ, और ये जलप्रपात रेखा है, जो बिजली का उत्पादन होगा मतलब विद्युत का उत्पादन जो होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर विद्युत का उत्पादन हो रहा है भाई, किससे, जो बिजली हमारी विद्युत का उत्पादन होता है वो किससे होता है, नदियों से, समुद्रों से जो पानी गिरते हैं, ठीक है, फॉरलाइन टाउन से, उसी से तो होता है। तो यहाँ पे तो पांच पांच नदियां गिर रही हैं, ठीक है, पांच पांच फॉरलाइन टाउन है, तो विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तो हो गए फॉरलाइन टाउन्स, यहाँ पे टाउन्स हैं, और यहाँ पे क्या था, क्यूबेक के पास यहाँ पे था, देखिए जो उत्तरी, इसका उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है जो अपलेशियन माउंटेन का, यहाँ पे कोयला है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कोयले के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोयले के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ से क्यूबेक से लेकर के हम बिलमिंगहम तक आते हैं तो यहाँ पे हमें एक शहर मिलता है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया, ये देखिए पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया जो है ये कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, पेंसिल्वेनिया जो है ये कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं अगर हम एप्लेशियन माउंटेन के दक्षिणी भाग में आते हैं, यानी कि बिलमिंगहम की तरफ, जब उत्तरी भाग से हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दें इसको, सब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए वहीं अगर हम यहां से, ये क्या है, नॉर्थ साइड है, ये क्या है, साउथ साइड है, ठीक है, मतलब नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, और ये जो क्षेत्र है ये लोह अयस्क के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लोह अयस्क मतलब आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन सा, इधर दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र जो अपलेशियन माउंटेन का है, ठीक है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र किसके दृष्टि से, लोह अयस्क की दृष्टि से, और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र किसकी दृष्टि से, कोयले की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पे ये
पेंसिल्वेनिया, जहां पर पेंसिल्वेनिया जो है ये कोयले के भंडार से, कोयले के भंडार के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओके, यहां तक क्लियर है, लिख लीजिए आप लोग, लिखिए अपलेशियन पर्वत या अपलेशियन माउंटेन का विस्तार कनाडा से यूएसए तक, अपलेशियन पर्वत का विस्तार कनाडा से यूएसए तक है। यहां कनाडा के क्यूबेक या इसका विस्तार कनाडा के क्यूबेक से यूएसए के बिलमिंघम तक है। यह प्राचीनतम मोड़दार पर्वत या प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र क्या बताया गया था आप लोगों को, ब्लू रिज यहां का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसका सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र ब्लू रिज है, जिसकी चोटी माउंट मिचेल, जिसकी चोटी माउंट मिचेल अप्लेशियन की, अप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत के फॉल लाइन को, इस पर्वत के फॉल लाइन को प्रपात रेखा कहते हैं, क्योंकि यहां से कई छोटी नदियां, क्योंकि यहां से कई छोटी नदियां जलप्रपात के रूप में, जलप्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, इसलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे लिखिए, अपलेशियन पर्वत का उत्तरी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहां पेंसिल्वेनिया, देखिए यहां पेंसिल्वेनिया में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, यहां पेंसिल्वेनिया में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, वहीं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, वहीं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से, वहीं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओके, यहां तक क्लियर है, अब आगे हेडिंग डालिए सिल्ट। देखिए सिल्ट क्या होता है, हेडिंग डालिए सिल्ट, सिल्ट, देखिए सिल्ट क्या है, सिल्ट जो है ये प्राचीनतम चट्टान से निर्मित संरचना होती है, ठीक है, सिल्ट क्या होती है, प्राचीनतम चट्टान से निर्मित संरचना होती है जो भू संचलन से अप्रभावित क्षेत्र में होती है, ठीक है, सिल्ट क्या है, प्राचीनतम चट्टान से निर्मित संरचना है, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए सिल्ट प्राचीनतम चट्टान से निर्मित संरचना होती है जो भू संचलन से अप्रभावित क्षेत्र में होती है। ओके, देखिए अब आगे हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ
अमेरिका। इसमें देखिए पहला जो है हमारा ये होगा ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। दूसरा ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। फिर लेक ऑफ अथाबास्का, फिर वेंडियर लेक, वेंडियर लेक। और फिर विनिपेग, क्या है विनिपेग लेक। हो गया। देखिए ये जो है ये कनाडा के जो हिमनदी अवशिष्ट झील हैं, ठीक है वो होती हैं, ठीक है। तो ये कनाडा के कैसी झील हैं, कनाडा की या कनाडा का हिम नदिए अवशिष्ट झील। कनाडा का हिम नदिए अवशिष्ट झील है, ठीक है। देखिए आते हैं अपने एटलस की तरफ और इनको क्या करते हैं, मार्क करते हैं। देखिए तो लेक्स वेक्स हमारी कहाँ मिलेंगी, लेक्स वेक्स हमारी मिलेंगी फिजिकल के मैप में। तो हम कहाँ आ गए हैं, फिजिकल के मैप पे आ गए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इनको मार्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ग्रेट बियर है। तो ये देखिए ग्रेट बियर लेक मिल गया आप लोगों को। फिर वहीं पे है ग्रेट ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। फिर है आपका लेक अथाबास्का, इसके बाद में है रेंडियर। और यहीं पे अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा विनिपेग, ठीक। ओके सारे देखिए विनिपेग मिल गया। 5 लेक्स थी, ये कहाँ है, कनाडा में है, ठीक है। ये सारी लेक्स कहाँ पे हैं, ये सारी लेक्स हमारी कनाडा में ही हैं, ठीक। और किसकी लेक्स हैं, किस प्रकार की लेक हैं, तो हिम नदिए अवशिष्ट झील हैं, ठीक है। कैसी झील हैं ये, हिम नदिए अवशिष्ट झील हैं, ठीक। देखिए लिखिए ग्रेट बियर झील के ऊपर, देखिए यहां पे एटलस में हमने देखिए थोड़ा ऊपर आते हैं, यहां देखिए ये लाइन है ये। अब देखते हैं यहां पर नीचे देखिए, इस लाइन को देखिए फॉलो करते हुए नीचे आइए, ठीक है। फॉलो करते हुए अगर आप नीचे आ रहे हैं ये देखिए, अगर आप इसको फॉलो करते हुए नीचे आ रहे हैं तो यहाँ देखिए ये मिला आपको, ये देखिए मिल गया। ये क्या है, आर्कटिक सर्कल लिखा हुआ है यहाँ पे। आर्कटिक सर्कल कितना होता है, 6.5 टन्स पे होता है। तो ग्रेट बियर लेक के ऊपर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ग्रेट बियर झील के ऊपर से 62.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक सर्कल गुजरती है। और ग्रेट, यहां देखिए ग्रेट स्लेप लेक के ऊपर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी ग्रेट स्लेव लेक के ऊपर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी
येलो नाइफ अवस्थित है, ठीक है, येलो नाइफ अवस्थित है, देखा, तो लिख लीजिए, लिखा आप लोगों ने, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, केट बियर झील के ऊपर से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा या आर्कटिक सर्कल गुजरती है और ग्रेट स्लेब लेक के, ये देखिए ग्रेट स्लेब है ये लेक, ग्रेट स्लेब लेक के ऊपर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी येलो नाइफ अवस्थित है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं लेक ऑफ अथाबास्का की तरफ। देखिए लेक ऑफ अथाबास्का में देखिए क्या है, यहां पे है, देखिए देखिए अथाबास्का लेक का तटीय क्षेत्र। अब देखिए तटीय क्षेत्र क्या होगा, जो उसके तट पे होगा, ठीक है, जो मैदान से सटा हुआ होगा वो क्या होगा, तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो अथाबास्का का तटीय क्षेत्र यूरेनियम के भंडार के साथ सेल गैस की दृष्टि से कनाडा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यूरेनियम मिलता है और क्या चीज मिलता है, सेल गैस मिलता है, ठीक है। तो अथाबास्का के तटीय क्षेत्र पर यूरेनियम और सेल गैस मिलता है, इसलिए कनाडा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओके, यहां तक क्लियर है। देखिए आगे, विनिपेग झील, देखिए यहां पे क्या था, विनिपेग, देखिए विनिपेग झील के तट पर मनीटोबा, ठीक है, ये देखिए विनिपेग झील के तट पर मनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग अवस्थित है, ये देखिए विनिपेग अवस्थित है, जो विश्व में गेहूं की मंडी के लिए, जो विश्व में गेहूं की मंडी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, गेहूं की मंडी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, क्लियर है यहां तक। देखिए अब करते हैं इरेज, देखिए ये क्या था, ग्रेट लेक्स है, ठीक है, ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स में जो भी हमारे आते हैं झीलें, ठीक है, उनकी देखते हैं कितनी झीलें ग्रेट लेक्स के अंडर आती हैं। देखिए यहाँ पे जो है झील पहली, ये आती है सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर। फिर इसके बाद में दूसरी जो है वो है हिरोन, मिशिगन, हैरी और ओंटारियो, ठीक है। ये जो झील है, ठीक है, ये ग्रेट लेक्स की झीलें हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये जो सुपीरियर झील है, ठीक है, सुपीरियर जो है ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, देखिए एसएससी में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो ये क्या है, सुपीरियर झील क्या है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक। और उसी जगह से हम आते हैं ओंटारियो पे, तो ओंटारियो क्या है, ग्रेट लेक की सबसे छोटी झील है, ठीक है, ग्रेट लेक की सबसे छोटी झील है। और इन झीलों का जो क्रम है वो देखिए, सुपीरियर सबसे बड़ी है, अब उससे छोटी क्या है, हिरोन,
इससे छोटी क्या है, मिशिगन, मिशिगन से छोटी एरी, और एरी से छोटी क्या है, ओंटेरियो है। ठीक, देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, सू कैनाल है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक नहर है जिनका नाम है सू कैनाल। ठीक है, और ये जो मिशिगन लेक है ये आपका है यूएसए में, और इसके इसके बीच में नहीं, इसके इसके नहीं, एरी और ओंटेरियो के बीच में। ठीक है, एरी और ओंटेरियो के बीच में क्या है, वेल लैंड कैनाल है। ठीक है, कौन सा नहर है, वेल लैंड। ठीक है, वेल लैंड कैनाल है। तो इनका जो क्रम है वो कैसा हो गया, ये क्षेत्रफल के आधार पर कैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो क्रम है ये कैसा है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम कैसा है, अवरोही है। ठीक है, अवरोही क्रम है। देखिए सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, और ये सबसे छोटी। तो सुपीरियर झील कैसी है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, अब आ गया और आते हैं अपने मैप पे। तो भाई सबको मार्क किया है तो इनको भी मार्क तो करना ही है ना, तो इनको भी देखते हैं हमारे एटलस में ये है कि नहीं है। देख लीजिए भाई, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये एटलस में है कि नहीं है। एटलस देखिए दोस्तों, एटलस ऑन करिए, आ जाइए अपने एटलस पे, फिजिकल पे आ जाइए। देखिए यहां, देखिए सबसे पहले क्या था, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद में लेक ऑफ हेरॉन, हेरॉन के बाद में मिशिगन, मिशिगन के बाद में एरी, एरी के बाद में ओंटेरियो। पांच लेक थी, पांचों मिल गई, हो गई है सारी पांच लेक, देखा। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं कहाँ, अपने पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल में देखिए क्या है, ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पॉलिटिकल में हम लोग आ गए। यहाँ देखा क्या है, सुपीरियर, ये कहाँ है, कनाडा में है, कनाडा उसके तट पे है, मिशिगन, हिरोन, एरी और एंटेरियो, ये आपको कहाँ मिल रही है। देखिए कनाडा और यूएसए के कहाँ है, यूएसए और कनाडा के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स की झीलें हैं ये कहाँ हैं, यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं। ठीक, तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये इनका ये कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये यूएसए और कनाडा के सीमा पर अवस्थित हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके आसपास के जो लेक्स हैं, इनके आसपास के कुछ शहरों के बारे में। ठीक है, कुछ सिटीज के बारे में, ये जो लेक्स हैं ये सारी, तो आप लोग लिख लीजिए इनके नाम, इनकी लोकेशंस के नाम लिख लीजिए। ये पहला लिखिए दुलूत, नेक्स्ट सडबरी, अगला लिखिए सॉल्ट स्टे मैरी, सॉल्ट स्टे मैरी, नेक्स्ट है गैरी, अगला है शिकागो, फिर है मिलवॉकी, इसके बाद है डेट्रॉइट, हैमिल्टन है, हैमिल्टन और टोरंटो। ओके, ये हो गए लोकेशंस। अब देखते हैं अपने मैप में ये कहाँ कहाँ पे हैं, और फिर इसके बाद ये किस हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इनको क्यों लिखाया गया है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा था उसको देखते हैं,
सबसे पहला था द्रुत, ये मिल गया। इसके बाद में था सेकबरी, देखिए सेकबरी यहीं पे आसपास कहीं होगा, ये देखिए सेकबरी मिल गया। सेकबरी के बाद में था हमारा सॉल्ट से मैरी, ये यहाँ पे मिशिगन के ऊपर और सुपीरियर के नीचे मिल गया। इसके बाद में था हमारा गैरी, गैरी ये डेट्रॉइट के नीचे है, ठीक है। फिर इसके बाद था हमारा शिकागो, शिकागो मिल गया। इसके बाद था मिलवॉकी, उसके ऊपर लेक मिशिगन के बिल्कुल बगल में था, ठीक है मिल गया। फिर इसके बाद में है डेट्रॉइट, डेट्रॉइट ये देखिए गैरी के ऊपर। डेट्रॉइट के बाद में है टोरंटो, डेट्रॉइट के बाद में हैमिल्टन, ठीक है हैमिल्टन ये देखिए न्यूयॉर्क के नीचे है, लेक ऑन्टेरियो, फिर न्यूयॉर्क, फिर हैमिल्टन, और उसके ऊपर आप जाएंगे ओटावा, ओटावा के नीचे मिलेगा आपको टोरंटो, ठीक है ये इतने मिल गए। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए डेट्रॉइट जो है, ठीक है डेट्रॉइट यहाँ पे यूएसए का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ठीक है ये जो है डेट्रॉइट जो है ये यूएसए का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र है मतलब यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा गाड़ी वाड़ी बनती है, ठीक है जो भी आपके कार्स वार्स हैं वो भी सारे यहीं पे बनते हैं, ठीक है। फिर ये जो है हैमिल्टन, हैमिल्टन हमारा कहाँ पे है कनाडा में है, ठीक है तो कनाडा को क्या कहते हैं, अरे हैमिल्टन को क्या कहते हैं, हैमिल्टन को कनाडा का बिलमिंगम कहते हैं, ठीक है हैमिल्टन को, हैमिल्टन भी हमारा कहाँ पे है, हैमिल्टन भी हमारा यूएसए में ही है, ठीक है और इसको कनाडा का बिलमिंगम कहते हैं, कनाडा का बिलमिंगम, ठीक है। अब बिलमिंगम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपको उसमें क्या बताया था कि दक्षिणी क्षेत्र जो था वो किसके दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लोह अयस्क की दृष्टि से। तो यहाँ भी क्या है हैमिल्टन में भी क्या मिलता होगा, लोह अयस्क, ठीक है ठीक है लोह अयस्क मिलता होगा, क्लियर है यहाँ तक। देखिए टोरंटो, टोरंटो जो है यहाँ पर नियाग्रा फॉल्स है, ठीक है यहाँ पे क्या है नियाग्रा फॉल्स है, और ये कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है टोरंटो जो है जो कनाडा में जो जितनी भी जनसंख्या है सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है निवास करती है टोरंटो में, ठीक है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, ठीक है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। सबसे अधिक ठीक है कनाडा में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम कहां पे, शिकागो पे। तो शिकागो जो है ये हमारा, ये क्या है शिकागो ट्रांसफर कन्वर्जन जोन है, ट्रांसफर कन्वर्जन जोन है ये शिकागो, ठीक है शिकागो हमारे क्या है ट्रांसफर कन्वर्जन जोन है। और यहाँ पर सेटबरी में हमारे निकल, सेटबरी में क्या निकल और कॉपर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे निकल और कॉपर की दृष्टि से जो सेटबरी है यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आज के लिए इतना ही, आगे इनका जो भी चीजें हैं ठीक है जैसे सुपीरियर झील है इनके बारे में जो भी अभी लिखवाना बाकी है ठीक है वो कल जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आप लोगों को पहले ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। तब तक कि आप इतना पढ़िए और इस पे देखिए। और हाँ हमने न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं ये आप लोग बताइएगा ठीक है, न्यूयॉर्क को हमने आप लोगों को नहीं बताया था कि न्यूयॉर्क को और किस नाम से बुलाते हैं ठीक है, तो न्यूयॉर्क को बताइएगा कि किस नाम से और बुलाते हैं ठीक है, या चलिए हम ही बता दे रहे हैं ठीक है। आप लोग इतना ही करिए, न्यूयॉर्क को कहते हैं सिटी ऑफ, सिटी ऑफ स्काई
एपिस्कोपल, ठीक है, मतलब जहां पे जिस शहर में जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, ठीक है, जहां पे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसे क्या कहते हैं, सिटी है, सिटी ऑफ स्काई स्कॉपर, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे इस शहर में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पे आपको खूब बड़ी बड़ी इमारतें आपको मिलेंगी, ठीक है, गगनचुंबी इमारतें मिलेंगी, ठीक, यहाँ पे। तो इसी के लिए न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्कॉपर भी कहकर बुलाते हैं। तो चलिए, ठीक है, अब तक धन्यवाद, कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।